हज़रात, खालिश ज़ात की तरफ से आप सबको सलामती हासिल हो। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कोई ना कोई वीडियो जब डालता हूँ तो उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई पस मंज़र होता है, उसका कोई ऐसा मसला होता है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ और आप लोगों का पहुँचाता हूँ। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका एक मकसद है और ये बड़ा अहम मकसद है और मैं ये समझता हूँ ये एक मुकदमा है और ये मुकदमा मैं आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस शख्स के से मुतल्लिक मैं ये अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो इसका जवाब जरूर देंगे और आपको इसका जवाब चाहिए। ये मेरी नहीं, ये आप लोगों की भी जरूरत है कि वो इस वीडियो का जवाब दें। मेरा मकसद है साबका सूबाई वजीर ब्राय इंसानी हकूक व इंटरफेथ हारमोनी इजाज अगस्टियन बामुकाबला चौधरी परवेज लाई। इजाज अगस्टियन आजकल लोगों को ये बताता फिरता है कि उसने उसके खिलाफ साजिश हुई, उसको धमकियां दी गई चौधरी परवेज लाई की तरफ से, उसने ये किया उसने वो किया। जैसा कि बहुत सारे आप लोग जो काफ लीग से जिनका तलक है, जिन वर्करों का, वो आज भी काफ लीग के साथ मौजूद है और उनको मैं नहीं समझता हूँ कि चौधरी परवेज लाई की तरफ से कभी धमकियां मिली हों या नफरत का इजहार उनके साथ किया गया हो। आप जब भी आप चौधरी परवेज लाई के घर गए हो तो मैं वहां पर कभी भी चौधरी परवेज लाई ने ये नहीं कहा या उसके वर्करों के ये गैर मुसलमों के लिए दस्तरखान इस तरफ है और मुसलमानों के लिए दस्तरखान इस तरफ है। उनके घर में या उनके दफ्तर में जो जो लाहौर में मौजूद है वहां पर कभी ऐसा एटीट्यूड मैंने नहीं देखा। इसके साथ जब उन्होंने जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई तो आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर वो जवाब ये समझ कर नहीं देंगे कि खालिश आजाद एक खपती आदमी है, वो खुद साथ था, ये करता है वो करता है, तो मैं ये समझता हूं क्योंकि वो वजीर क्रिश्चियन कम्युनिटी के की वजह से बने हैं। अगर उनका नाम मोहम्मद इजाज होता तो वो वजीर ना बनते, वो असम्बली में क्रिश्चियन के तलक से आए हैं ना कि वो अपने तलक से आए हैं। लिहाजा उनका जो मैं सवाल कर रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनका जवाब देंगे क्योंकि ये आवाम की अदालत है, ये मुकदमा है। उन्होंने ये कहा कि वो इस्लामियात में से जितनी भी पंजाब में और जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें से इस्लामियात के चैप्टर खत्म कर दे ताकि जो इक्वालिटी है वो जो इक्वल है जो तालीम का निसाब है जो बराबर का निसाब है वो पढ़ाया जाए। मैं इनकी इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ लेकिन इनका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल गलत था। क्या इन्होंने जो सूबाई वजीर थे रास मुराद उनका इतमाद में लिया? क्या इन्होंने इजाज अगस्टियन आलम ने जब ये वजीर राय इंसानी हकूक थे तो क्या इन्होंने अपने पार्टी के जो MPAs हैं हरून गिल, महेंद्र पाल, पीटर गिल, ये इनकी पार्टी के लोग थे, क्या इसने इनको एतमाद में लिया? क्या जब परवेज इलाही ने इसको धमकियां लगाई तो क्या इसने जो लेटर है वो अपना जो लेटर है वो क्या इसने वो लेटर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लिखा? क्या इसने लेटर जो PTI के सूबाई सदर है उसको लेटर लिखा? क्या इसने सुनीदा रूद को बताया? क्या इसने जो अकलीत विंग का जो जो विंग है उसके प्रेसिडेंट को, उसके जनरल सेक्रेटरी को, उसके तमाम जो वर्कर है क्या इसने उनको बताया? अगर बताया तो वो सामने चीजें लेकर आए। मैं ये समझता हूं कि इसने बतान लगाया है, इसने असद खोकर के साथ मिलके क्रिश्चियन कम्युनिटी का सौदा किया है। सौदा इसलिए किया है कि जिस कोठी में ये DHA 5 में ये रह रहा है क्या ये कोठी इसकी जाती है? क्या ये कोठी का किराया दे रहा है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब ये वहां पर शिफ्ट हुआ था तो ये जो कोठी थी इसका किराया गवर्नमेंट दे रही थी। अब चूंकि ये वजीर नहीं तो इसका किराया कौन दे रहा है? क्या ये 3.5 सालों में इसने इतनी तरक्की कर दी कि ये उस कोठी इसने खरीद दी? और ये क्या चूंकि ये काम तो अब कर कोई नहीं रहा, तो अगर मुझे DHA का मालूम है कि DHA में कम से कम जो किराया वो 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम नहीं, तो क्या ये जो उस किराए की कोठी में रह रहा है ये कोठी इसकी है? मुझे जो मेरे पास जो इत्तलात है वो ये है कि इसने अपनी वफादारी 5 करोड़ रुपए में तब्दील की और जिस कोठी में ये रह रहा है ये कोठी असद खोकर की थी और असद खोकर ने इसको ये यकीन दिलाया था कि अगर तू वफादारी तब्दील करेगा तो मैं तुझे
5 करोड़ रुपया भी दूंगा और तुझे हमजा शहबाज शरीफ की काबीना में अहम रोल अदा करूंगा, लेकर दूंगा। तो मेरे दोस्तों ये जो चीजें हैं ये हुई हैं, क्योंकि जब हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बने थे तो उस वक्त ये जाकर इससे गुजरना वाला शेखुपुरा, फैसलाबाद और साहिवाल में चेक तकसीम किए। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला जरूर है। और अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये अपना वीडियो पैगाम सबूत के साथ अब किसी भी चैनल पे, किसी भी जो हमारे जो क्रिश्चियन दोस्तों के चैनल है वहां पे ये अपना वीडियो रिकॉर्ड बयान करें और उनको बताएं कि खालिद शहबाज झूठ कह रहा है। अगर मैं ये झूठ कह रहा हूं तो सच क्या है वो ये सामने लेकर आए। अगर ये सच नहीं बोलता तो फिर इसका मतलब है कि इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी का सौदा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे भी सवाल कीजिएगा, यह आपका और मेरा हक है। क्योंकि जो शख्स भी इस पोर्टफोलियो में बैठता है, जो शख्स भी वजीर बनता है, MPA बनता है, कोई मशीर बनता है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम पर बनता है। तो जब अगर कोई बंदा क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम पर बनता है तो वो मुझे और आपको जवाब दे है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।